Hello students, how are you? I hope all of you are well. Now I am discussing here about circulation. What is circulation? The process by which transport of nutrients, oxygen, hormones, enzymes, minerals and metabolic waste to different parts of the body takes place by fluid medium is called ट्रांसपीरेशन। तो जो खाना हम सब खाता है, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन जो सांस में लेता है, हॉर्मोन्स, डिफरेंट एंजाइम्स है खाना हजम कराने के लिए, मिनरल्स है जो वाटर के साथ बॉडी में जाता है, बहुत सारा खाने के साथ, फ्रूट वेजिटेबल के साथ जाता है वो मिनरल्स, एंड मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो खाने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो जो वेस्ट बन जाता है उसे कहता है मेटाबॉलिक वेस्ट। ये सब और जो यूरिन है वो भी एक वेस्ट है, लेकिन वो एक्स्ट्रा लिक्विड वेस्ट। और मेटाबॉलिक वेस्ट होते जो खाने के बाद जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है वो होते मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये सब डिफरेंट पार्ट्स में जो सर्कुलेट होता है बाय फ्लूइड मीडियम। फ्लूइड मीडियम मतलब वाटर, ब्लड, लिम्फ, लिम्फ आल्सो इज फ्लूइड मीडियम। हाँ, तो ये सब के द्वारा पूरा बॉडी में जो सर्कुलेट होता है इसे कहता है सर्कुलेशन। अब ह्यूमन सर्कुलेशन प्लांट में भी होता है वाटर के द्वारा, और एनिमल में भी होता है जो ब्लड, लिम्फ, वाटर इस सब के द्वारा होता है। अच्छा, ह्यूमन में होते कंपोनेंट्स, ह्यूमन में कैसे होता है कंपोनेंट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, इसके द्वारा ह्यूमन में होता है। ब्लड वेसल मतलब वेन, आर्टरी, कैपिलरी, ये सब है ब्लड वेसल। ब्लड होते लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्यों? क्योंकि पूरा बॉडी में ब्लड कनेक्ट कर सकता है, पूरा बॉडी में ब्लड है और पूरा बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू। प्लाज्मा, प्लाज्मा भी एक लिक्विड है जो ब्लड में है और थोड़ा येलो कलर का है। एंड ब्लड सेल्स, ब्लड सेल मतलब जो RBC है, WBC है, ये सब होते प्लेटलेट्स है, ये सब ब्लड सेल। एंड हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन है ब्लड में, हीम आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन ये दोनों मिला, इसीलिए ब्लड का कलर क्या है, रेड कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। अच्छा, नेक्स्ट देखो एक हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, हार्ट में चार ठो पार्ट है। यहाँ पे राइट साइड में दो चेंबर है, लेफ्ट साइड में दो चेंबर है। राइट साइड में ऊपर में है राइट ऑरिकल व राइट एट्रियम, और नीचे होते राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड में होते लेफ्ट ऑरिकल व लेफ्ट एट्रियम, और नीचे होते लेफ्ट वेंट्रिकल। तो पहले जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है, जो ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, वो पहले वेन के द्वारा आता है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से कहाँ पे जाता है, राइट ऑरिकल एट्रियम में। यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में चला जाता है, और लंग्स में जाके ब्लड के साथ ऑक्सीजन ऐड होता है, क्योंकि लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जो ऑक्सीजन लेता है वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ ऐड होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड फॉर्म हो जाता है, प्योर ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी जो वेन है ये वेन के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में आता है, फिर लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर यहाँ पे आर्टरी के द्वारा पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है प्योर ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये होते हार्ट के द्वारा ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस। ब्लड सर्कुलेशन टू टाइप है, ओपन सर्कुलेशन, क्लोज सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन होते ब्लड फ्रॉम द हार्ट फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल डायरेक्टली, ब्लड वेसल में वेसल के द्वारा सर्कुलेट होता है, एंड एंटर्स इनटू द बॉडी कैविटी, डायरेक्ट बॉडी कैविटी में
एंटर करते हैं एंड रिटर्न बैक टू हार्ट थ्रू ब्लड वेसल, और डायरेक्टली हार्ट में आता है ब्लड वेसल के द्वारा। ये है ओपन सर्कुलेशन। डायरेक्ट बॉडी कैविटी में एंटर करता है और हार्ट में आता है। अच्छा, ब्लड यहाँ पे देखो, ओपन ब्लड सर्कुलेशन कहाँ पे है, कॉकरोच में दिखाई देता है। जैसे कॉकरोच में ये बॉडी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हेड है, यहाँ पे 13 हार्ट है, 13 इसके ऊपर एक मसल है, एलआरडी मसल जिसे बोलते हैं एलआरडी मसल, ये मसल के ऊपर है पेरिकार्डियल साइनस, और इसके मिडिल में है पेरी विसरल साइनस, नीचे होच्चे पेरी न्यूरल साइनस, और इसका जो हार्ट है 13 चेम्बर है मिडिल में। तो इसका प्रोसेस की ये जो हार्ट के ऊपर जो मसल है, जैसे ह्यूमन का हार्ट के ऊपर जो मसल है उसे क्या बोलता है, कार्डियक मसल। तो कॉकरोच में जो मसल है उसे बोलता है एलआरडी मसल। तो पहले एलआरडी मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब ये छोटा हो जाता है, और एनलार्ज पेरिकार्डियल साइनस, इसके ऊपर जो पेरिकार्डियल साइनस है वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। सो ब्लड फ्लोज इन टू इट फ्रॉम पेरिविसरल साइनस। खाले एलआरडी मसल जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, पेरिविसरल न्यूरस जो रिलैक्स हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसके नीचे जो पेरिविसरल साइनस है इसमें से ब्लड एंटर करता है पेरिकार्डियल साइनस में, क्योंकि पेरिकार्डियल साइनस एंटर हो जाता है। नेक्स्ट, मसल रिलैक्स, और मसल जब रिलैक्स हो जाता है मतलब बड़ा हो जाता है, तब ब्लड एंटर्स इनटू द हार्ट, तब ब्लड हार्ट के अंदर चला जाता है। ये जो इसके हार्ट के अंदर एक पोर है, जो पोर को बोलता है ऑस्टिया, ऑस्टिया के द्वारा ब्लड हार्ट के अंदर चला जाता है। अगेन पेरिविसरल साइनस थ्रू हेड साइनस, और हार्ट में से हेड साइनस में चला जाता है, और फिर पेरिविसरल साइनस में एंटर करता है। खाली सबसे फास्ट क्या होता है, एलआरडी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, फिर पेरिकार्डियल जो साइनस है वो रिलैक्स हो जाता है, और ब्लड फ्लोज इनटू इट, और इसके अंदर ब्लड चला जाता है पेरिविसरल साइनस से। फिर जब एलआरडी मसल रिलैक्स हो जाता है, तब ब्लड कहाँ पे आता है, ये ऑस्टिया जो पोर है हार्ट में, ये पोर के द्वारा हार्ट में चला आता है। हाँ, फिर कहाँ पे जाता है, हेड साइनस में जाता है, हेड में फिर वहां से पेरिविसरल साइनस में एंटर करता है। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, ओपन सर्कुलेशन में होता है, जहाँ पे डायरेक्ट ब्लड बॉडी कैविटी में चला आता है। और इसका कॉकरोच का जो बॉडी कैविटी है इसको क्या बोलता है, हीमोसील। तो ये होते ओपन सर्कुलेशन। नाउ लर्न दिस फ्रॉम योर साइंस बुक। नेक्स्ट डे आई विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक्स। थैंक यू फॉर वाचिंग।